जनपद पौड़ी जिले के थाना धुमाकोट पुलिस ने 85 किलोग्राम अवैध गांजे के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। तस्करी में प्रयुक्त कार को सीज कर आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। एसएसपी पौड़ी श्वेता चौबे ने बताया कि सिमड़ी पुलिस चेक पोस्ट धुमाकोट के पास एक कार को चेकिंग के लिए रोका गया। इस दौरान कार में 85 किलो अवैध गांजा बरामद हुआ। आरोपी की पहचान रणवीर सिंह निवासी वार्ड नंबर 15 मोहल्ला काजीपुरा थाना सिविल लाइन जनपद मुरादाबाद उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है। आरोपी ने पुलिस पूछताछ में बताया कि वह यहां सनोज स्नेगी नाम के एक लड़के से गांजा खरीद कर लाया है। एसएसपी पौड़ी ने बताया कि आरोपी को कोर्ट में पेश करके जेल भेजा गया है। पौड़ी से भगवान सिंह की रिपोर्ट। पौड़ी पुलिस का नशे के खिलाफ अभियान में लगातार कार्रवाई की जा रही है और इसी क्रम में धुमाकोट क्षेत्र में जो लगातार नशे की सप्लाई की सूचना मिल रही थी, तो कल थाना प्रभारी धुमाकोट व उनकी टीम को एक सूचना मिली जिसमें वाहनों की चेकिंग के दौरान स्विफ्ट डिजायर गाड़ी को रोका गया और उसमें लगभग 85 किलो गांजा जिसकी बाजार की कीमत 13 लाख आंकी गई है वो बरामद